press the bell icon on the YouTube app and never miss a... Hi everyone, मैं एक बार फिर से आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े थे? अब तक हम लोग पढ़े थे कि भाई यूरोप में किस तरह के लोग हैं, और उसमें कुछ लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका आइडिया लिबरल नेशनलिज्म का है। और उससे पहले हमने जाना था कि कैसे नेपोलियन अपनी हुकूमत बड़े बड़े कंट्रीज तक पहुंचा रहा था, और इटली, हॉलैंड, बेल्जियम तक वो पहुंच चुका था। ये जब हो रहा था उस टाइम पे, और जो लोग थे इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो कि पहले से एक बड़े साम्राज्य के तौर पर स्थापित थे, लेकिन जैसे नेपोलियन बढ़ता जा रहा था जिस रफ्तार से, ऐसा उनको लग रहा था कि कहीं ये हमारे लिए खतरा साबित ना हो जाए। तो ये चारों लोग जो इस नए उभरते हुए खिलाड़ी के पीछे लगना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया असल में एक ही जर्मनी का ही हिस्सा था। तो इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, तो कुल मिलाकर चार जगह और तीन देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ जंग छेड़ दी, और वो जंग कहलाती है बैटल ऑफ वाटरलू। क्या कहलाती है? बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन के खिलाफ कौन लोग लड़ रहे थे? इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चार लोग इसके खिलाफ लड़ रहे थे, और फाइनली नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। तो नेपोलियन हार जाता है, तो जीते कौन? इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया वाले लोग। ये बैटल कहलाता है बैटल ऑफ वाटरलू। ये हुआ था कब? 1815 में। तो यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी सीधी सी बात है, ये कंजर्वेटिज्म जो भी है, अभी हम लोग समझने वाले हैं आगे, ये कब आएगा? 1815 के बाद ही आएगा। 1815 में क्या हुआ है? बैटल ऑफ वाटरलू, यानी बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ही ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। अब होता ये है कि ये लोग जो जीत जाते हैं, ये जो न्यू यूरोपियन गवर्नमेंट जो बनने वाली है, ये लोग कंजर्वेटिज्म के फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ये कंजर्वेटिज्म के फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग थे, तो ये इसी हिसाब से अब पूरे यूरोप को चलाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कंजर्वेटिज्म कहते हैं किसे। ये एक पॉलिटिकली फिलॉसफी होती है जिसका मेन पर्पस होता है ये कि भैया हमको प्रिजर्व करना है, बचाना है और उसको प्रमोट करना है। किस चीज को बचाना है? तो पुरानी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशनल बोले तो पुरानी इंस्टीट्यूशन। किस चीज़ की? स्टेट की और सोसाइटी की। स्टेट बोले तो कि राज चलाने की, जैसे कि मोनार्की हो गई। सोसाइटी में मतलब कि समाज में जो भी पुरानी चीज़ें चली आ रही थी उसको बचा के रखे हैं। कुल मिलाकर रूढ़िवादी आप कह सकते हैं, वैसे लोग जो पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको बचा कर रखना चाहते हैं और उसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और उसमें पुरानी चीज़ों में क्या आ गई? मोनार्की तो पुरानी चीज़ों में है। चर्च का सिस्टम आ गया, चर्च के पास पावर होगा। सोशल हायरार्की जो आपने पढ़ा था कि भाई फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, थर्ड स्टेट है, ये सारा का सारा सिस्टम फिर से वापस लाया जाए। ये वो चर्चा लोग जो चाहते हैं कि फिर से सारी चीज़ें वापस लाया जाए, सारा जो नया जो चेंजेस आया उसको सबको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कंजर्वेटिज्म वाले लोग ऐसे ही इस तरह के फिलॉसफी में याद मानते थे। यानी इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो लोग हैं कंजर्वेटिज्म के फिलॉसफी मानते थे। कंजर्वेटिज्म का मतलब जहाँ पुरानी सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाए। इसका मतलब हुआ कि नेपोलियन ने जो भी रिफॉर्म किया उसको बदल दिया जाए? ना 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 ना, नेपोलियन के सारे रिफॉर्म को बदला जाएगा सवाय उनको छोड़कर जिससे मोनार्की को और मजबूत किया जा सके, सवाय उनको छोड़कर जिससे चर्च को और पावर दिया जा सके। यानी कि वैसा सिस्टम जो नेपोलियन ने लाया ज़रूर है, लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग और मजबूत हो जाए, कंजर्वेटिव लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो हम उसको बदलने वाले नहीं हैं, ये कहना था इनका। यानी बिल्कुल जैसे कई डेमोक्रेसी में होता है कि कोई नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार ने जो भी किया होता उसको वो अंडू कर देती, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके सब ख़त्म कर देती है, लेकिन उस सारी चीज़ों को छोड़ देती जिससे उनका खुद का फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल यही सिस्टम यहाँ पे चलने वाला है। तो ये लोग क्या चीज़ छोड़ देते हैं? मॉडर्न आर्मी को छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, रोड वगैरह जो बन गए उसको रहने देते हैं, क्यों रोड को उखाड़ा जाए? और साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी जो बहुत बेटर तरीके से काम कर रही थी, सिविल सर्वेंट लोग, उसको रहने देते हैं। उनका कहना है कि इसी का यूज़ करके मोनार्की को और मजबूत करेंगे, मॉडर्न आर्मी का यूज़ करके मोनार्की को और मजबूत करेंगे। हालांकि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था,
लेकिन रहने दिया जाए अगर उससे हमें अपना फायदा है। आगे बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। देखिए अभी ये लोग तो जीत गए हैं चार लोग मिलके, तो नेपोलियन का जितना भी एरिया है वो इन लोगों के कब्जे में आ गया। अब किसके कब्जे में क्या जाएगा, क्या चेंजेस आने वाला है, ये डिसीजन होने के लिए एक समझौता वगैरह होना चाहिए। तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की वियना में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना। अगर इन्होंने ट्रीटी कहीं और साइन की होती तो उसका हम कुछ और नाम देते। तो ये लोग ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी कहाँ साइन हुई, वियना में, ठीक है। अगर रामचंद्रपुर में होती, बिहार शरीफ में, तो हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ रामचंद्रपुर बिहार शरीफ। अब पार्टिसिपेंट कौन थे इसमें, यही चार लोग थे, इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो याद रखना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लास्ट में रशिया प्रशिया तो एक ही टाइप का, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, यानी तीनों में ईआईआ आ रहा लास्ट में। तो इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चार देश पार्टिसिपेंट करते हैं जिन्होंने हराया था नेपोलियन को। इसका लीडर कौन है, इसका लीडर है ड्यूक मेटरनिच। हाँ, इस इंसान के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी, आगे इसकी और भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो ड्यूक मेटरनिच जो इंसान है ये इस पूरे ट्रीटी ऑफ वियना का हेड होता है, सदारत करता है, अध्यक्षता करता है, ये लीडर है। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, बोले तो प्राइम मिनिस्टर जैसे आज के दौर में होता है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया वगैरह में चांसलर का पोस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव समझते हैं, वियना का ट्रीटी करने का मकसद क्या है, मकसद ये कि नेपोलियन ने जो भी कुछ किया है सब पे कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, सबको अंडू कर दीजिए। अंडू करने का मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए, सवाए उनको छोड़कर जिसे अपना फ़ायदा है। तो ये सिस्टम था इनका, जैसे कि मॉडर्न आर्मी को छोड़ दिया जाए, ब्यूरोक्रेसी वगैरह छोड़ दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का जो सिस्टम बेटर बनाया गया उसको रहने दिया जाए। तो कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या टर्म्स साइन किए गए थे। इससे पहले के टर्म्स के बारे में हम लोग जाने, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में ये भी साइन हुए थे, पार्टिसिपेंट थे इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, लीडर थे ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रिया के ही चांसलर थे। ऑब्जेक्टिव पर्पस था सारे चीज़ों को अंडू कर दिया जाए जो नेपोलियन ने किया था। साथ साथ में टर्म्स के बारे में आप समझ लेते हैं। बर्बन डायनेस्टी, आपको मालूम है बर्बन डायनेस्टी, नाम सुना सुना हुआ लग रहा होगा। जी हाँ, फ्रांस में जो लुईस 16 साहब थे, लुईस 15 साहब थे, ये लोग जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जी हाँ, यहाँ नेपोटिज्म ही इसे कहते हैं, ये लुईस 16 वगैरह बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो आगे फिर से इसी डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया, कहाँ, फ्रांस में। मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव लोग पुरानी चीज़ों को मानते थे, उसको चाहते थे कि उसको स्टोर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो मोनार्की भी उसी में से एक है पुरानी चीज़ों में। देखिए अपने मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी भी क्या है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे फ्रांस में रीस्टोर कर दिया गया। फिर क्या किया गया कि नेपोलियन था कहाँ का, फ्रांस का, तो इन्होंने एक बाउंड्रीज जो फ्रांस की थी उस पर स्टेट्स वगैरह को बना दिया, निर्माण कर दिया, ताकि आगे चल के फ्रांस से कोई और नेता लीडर खड़ा ना हो और जाकर दुनिया को फतह करना जीतने का मकसद से आगे ना बढ़ जाए। तो यानी एक्सपेंशन वगैरह फर्दर ना हो, इसके लिए उसके चारों तरफ बाउंड्रीज के चारों तरफ स्टेट्स को सेटअप कर दिया गया। आगे जो जर्मनी की बात की जाए, बंटवारा की बात की जाए, यहाँ तो हम लोग समझ लें कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया फ्रांस में, क्योंकि ये लोग पुरानी चीज़ों को चाहते थे कि जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए, तो पुरानी चीज़ों में मोनार्की भी है और वो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रिस्टोर किया गया। फ्रांस के बाउंड्रीज पे स्टेट का सीरीज जो है अब बना दिया गया, ताकि वो लोग आगे एक्सपैंड ना कर पाए। फिर जर्मनी का जो लगभग 39 स्टेट्स में था, जो कह लीजिए कि नेपोलियन ने कब्जा किया था, उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो एरिया था, यानी जर्मनी जो 39 स्टेट्स था उसको रहने दिया गया उन्हीं के राजाओं के लिए कि आप ही लोग जो करना कीजिए, और बाकी का जो एरिया बचा है आपका, बहुत सारा एरिया है, उसमें से सबका नाम याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो सारा का सारा एरिया अलग अलग नेशंस में बांट दिया गया, स्पेशली उन्हीं नेशंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे या उनके करीबी मित्र थे। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने टॉपिक को समझ लिया। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूँ, ताकि इफ़ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड बहुत आसानी से वो क्लियर हो जाए। तो हमने पढ़ा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक नए कंजर्वेटिज्म का दौर आएगा 1815 में, इसको समझने के लिए बैटल और वाटरलू समझेंगे। तो नेपोलियन हारता है कुछ चार लोगों से, तो इनसे हारने के बाद जो नई सरकार आती है इन लोगों की, ये लोग कंजर्वेटिज्म में यकीन करते हैं।
कंजर्वेटिज्म मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो चर्च हो, सोशल हायरार्की सिस्टम हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट हो, उसको फिर से लागू कर दिया जाए, उसको रहने दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाया जी? कंजर्वेटिज्म। अब इसके लिए एक ट्रीटी साइन की भाई क्या क्या बंटवारा हम लोग करेंगे अपने आस पास में, उस ट्रीटी को हम लोग वियना की ट्रीटी कहते हैं, वियना की संधि कहते हैं। पार्टिसिपेंट इंग्लैंड, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। लीडर थे ड्यूक मैटरनी, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इनका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि ज़्यादातर जो नेपोलियन ने रिफॉर्म लाया सबको अंडू कर दिया जाए। अंडू बोले तो फिर से ख़त्म कर दिया जाए, कंट्रोल जेड कर दिया जाए। टर्म्स इसमें क्या क्या थी कि बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया, मैंने बताया मोनार्की को ये लोग बहुत पसंद कर रहे थे तो मोनार्की को लाया। फ्रांस के बाउंड्रीज पे स्टेट्स बना दिया ताकि ये लोग एक्सपेंशन ना करें, और जर्मनी को जैसे था वैसे रहने दिया गया, बाकी एरिया को आपस में बांट लिया गया। तो कुल मिलाकर ये थी ट्रीटी ऑफ वियना। अब जो कंजर्वेटिव लोगों का जो रूल आएगा, ये कंजर्वेटिव साहब जो रूल करने वाले हैं, ये अपने खिलाफ ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करते थे, यानी एकदम बिल्कुल शादी ब्याह में जैसे फूफा वगैरह होते हैं वैसे ही ये लोग थे। अपने खिलाफ ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करते थे, नाक पिचकाते नहीं थे, बल्कि लोगों को अरेस्ट करके जेल वगैरह में डाल देते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रेज वॉइस अगेंस्ट देम। ये लोग सेंसर करते थे उनके खिलाफ बोलना लिखना, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वैसे लोग जिनके खिलाफ बोलना चाहते थे उन्हें हम लोग रिवॉल्यूशनरीज कहेंगे, तो वो लोग ओपनली तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि बहुत मुश्किल था यहाँ पे। तो इसके लिए उन्होंने सेक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह बनाई थी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।